हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में अब हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड स्किन केयर सिस्टम की। मतलब कि अगर आपकी एज 30+ हो चुकी है, इवन 25+ भी है, तो अब आपकी स्किन को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी रेगुलर स्किन केयर से पूरी होने वाली नहीं है। और हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले स्टेप के बारे में जो आप ले सकते हैं अगर आप अपना एंटी एजिंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर देना चाहते हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस एक प्रोडक्ट का जिसका नाम है डर्माको विटामिन सी सीरम, और ये पोटेंसी है 20%। मतलब कि जो लोग अभी स्किन केयर में नए नए हैं उनके लिए ये पोटेंसी बहुत हाई है। ये इंग्रेडिएंट मेरे स्किन के लिए नया नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ। डर्माको का विटामिन सी सीरम है और ये जो है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड है। इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड एक फॉर्म होती है विटामिन सी की, जो बहुत स्टेबल फॉर्म्स में से एक है। मतलब कि विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत स्टेबल नहीं है। अगर आप इसको DIY करके घर पे बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे जो एक्चुअल में ये देने वाला है। तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ध्यान से की जाती है। इसको इस तरह की बॉटल्स के अंदर पैक किया जाता है जहाँ ये सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ना आ सके। ज़्यादातर डार्क कलर की बॉटल्स में इसको पैक किया जाता है, या फिर इस तरह की बिल्कुल ट्रांसलूसेंट बॉटल्स के अंदर जहाँ लाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उस तरह की बॉटल्स के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। और इनको यूज़ करने का भी एक खास तरीका है कि आप इनको अपने फेस पर लगाएं और अच्छे से टैप 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 करके आप उसको एब्जॉर्ब कराएं, और ऊपर से सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाएं। मतलब कि ये तो आप गांठ बांध लें मेरी बात को, अगर कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट। और अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं अपनी स्किन में इम्प्रूवमेंट होते हुए, तो सबसे पहले सनस्क्रीन तो मस्ट है। उसको अवॉइड करके आप कोई भी रिजल्ट देख नहीं पाएंगे। इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड जब हमारी स्किन पर हम अप्लाई करते हैं तो वो कन्वर्ट होके प्योरेस्ट फॉर्म जो एस्कॉर्बिक एसिड है उसमें कन्वर्ट हो जाता है और हमारी स्किन को मैक्सिमम बेनिफिट देता है। अब मैक्सिमम बेनिफिट इसके क्या क्या हैं, देखिए। सबसे पहले विटामिन सी क्या करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को इवन टोन करता है, आपके ब्लेमिशेस एक्ने मार्क्स पर काम करता है, आपके एक्टिव एक्नेस को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन में फ्री रेडिकल्स अगर हो गए हैं उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि वो बहुत डैमेज कॉज करते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट होता है वो। और आपकी जो स्किन है उसके अंदर एंटी एजिंग बेनिफिट्स इम्बाइब करता है। कैसे? हमारी स्किन के अंदर दो प्रोटीन होते हैं, एक तो इलास्टिन प्रोटीन, एक कोलेजन प्रोटीन, और ये हमारी स्किन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब समझ लीजिए कि हमारी स्किन जो है स्ट्रक्चर पर टिकी हुई होती है जो ये प्रोटीन्स आपस में एक दूसरे के साथ बनाते हैं। जब हम 25+ हो जाते हैं तो ये धीरे धीरे ये कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन प्रोड्यूस करना हमारी स्किन धीरे धीरे कम कर देती है, जो कि किसी भी एजिंग प्रोसेस में आप समझ लीजिए कि आपकी एपेटाइट, हंगर, आपका खाना, आपका डाइजेशन, हर चीज़ जब एज के साथ चेंज होती है तो ये चीज़ भी होगी। तो उस चीज़ पर अगर कोई चीज़ काम करती है तो विटामिन सी है, जो आपकी स्किन को अंदर से हील करता है, आपकी स्किन में एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है, आपकी स्किन में कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन्स को जो है बूस्ट अप करता है। जितना थोड़ा बहुत बन रहा है उसको ये और ज़्यादा अमाउंट में बनाने लग जाता है, जिससे होता क्या है कि आपकी स्किन इवेंचुअली प्लम्प, सॉफ्ट और यूथफुल नज़र आने लगती है। मेरा देखिए पूरा एम्प्टी हो चुका है, मैं इसको पूरा यूज़ कर चुकी हूँ। ये बॉटल मैं एक ही टाइम पे यूज़ करती थी क्योंकि तो मुझे 2 मंथ्स तक इसने लास्ट किया है। तो अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करेंगे तो 2 मंथ्स तक भी आपकी एक बॉटल चल जाती है। इस बॉटल की प्राइस की अगर हम बात कर दें तो ये इसके ऊपर रिटर्न है 899, और जो कि मैंने इसको डिस्काउंट में लिया, मुझे ये प्रोडक्ट 809 में मिला था 10% डिस्काउंट के साथ। इस पर यूजुअली 5-10% ही डिस्काउंट आपको मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। 20 ml ये प्रोडक्ट क्वांटिटी है,
उस अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो 10% पोटेंसी में ही इसे यूज़ करें, 20% ना लें। ये पैराबीन फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, डाई फ्री और सल्फेट फ्री है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है पर रिजल्ट्स भी इसके कमाल के हैं। तो मेरी तरफ से फुल मार्क्स टू डर्माको विटामिन सी 20% सीरम। विटामिन सी से रिलेटेड मेरा एक और वीडियो भी है जो मैंने काफ़ी पहले पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन में से भी आप उस पर पहुंच सकते हैं, उसे भी आप ज़रूर से ज़रूर व्यू करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अभी फिलहाल सीरम तो नहीं है, फिर भी मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बता देती हूँ। ऐसे ड्रॉपर में लें, एक एक ड्रॉप अपने फेस पर लगाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, और नेक को बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें। तो इन ऑल 7 ड्रॉप्स आपको इसकी लगानी है। फिर आप इसको ऐसे 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 करके अपने फेस पर फैला लें, नेक पर ऐसे ऐसे टैप 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 डैब 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 मोशन में आप इसको लगाएं, और ऐसे ही फोरहेड पे इसको लगा लें। और अच्छे से जब ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए ना, तो फिर इसको आप एक मॉइस्चराइजर से लॉक कर दें। मतलब कोई भी सीरम अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको मॉइस्चर से लॉक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे जो हमारा सीरम है ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो हमें मैक्सिमम बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। अब मैंने इसको रीपरचेज किया है, मेरा ऑर्डर ड्यू है आना, और जैसे ही वो पहुंच जाएगा तो मैं इसको इसकी आपको करंट प्राइस अपने हॉल वीडियो में बता दूंगी जो कि मैंने अभी बनाना है। तो देखिए, ये विटामिन सी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपके जो डार्क सर्कल्स पर भी ये काम करता है, आपके एक्टिव एक्ने पर भी काम करता है। आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर अभी ऐसा कोई एक्टिव एक्ने फ़िलहाल नहीं है। और ये सबसे बड़ा जो ट्रॉमा उन लोगों को पता है जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, जिनको एक्ने की, पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि ये प्रॉब्लम किस हद तक परेशान कर देती है। जब कहीं जाना होता है ना, तब तो ज़रूर से ज़रूर वो अपीयर हो जाते हैं सडनली फ्रॉम नोवेयर। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक सीरम मुझे मिला है। 20% की पोटेंसी में मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आजकल, और मेरी स्किन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, एक नेचुरल सी शाइन स्किन के ऊपर रहती है। और अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, क्योंकि जब मैं स्किन केयर की बात करती हूँ ना, तो मुझे बेयर स्किन ही पसंद है। अगर बहुत सारा मेकअप लगा कर आप ओरिजिनल स्किन केयर की बात करें तो मुझे कुछ सूटेबल सा नहीं लगता। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और 100% पावरफुल प्रोडक्ट है। एंटी एजिंग स्किन केयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट यूजिंग दिस, इम्बाइब दिस इनटू योर स्किन केयर रूटीन, और आप इसको यूज़ करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आगे हम फ्यूचरिस्टिक स्किन केयर की बहुत सारी ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।